नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वरुण रेहानी है और मैं एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रोक पे, मतलब लकवा। लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसे हम ब्रेन अटैक कहते हैं। जैसे हार्ट का अटैक होता है, वैसे ही ब्रेन में अचानक ब्रेन की सप्लाई के अंदर डैमेज होने के कारण मरीज़ को लकवा हो जाता है। कैसे आप पहचानेंगे कि मरीज़ को लकवा हो गया है? इसके लिए हम कहते हैं बी फास्ट। बी फास्ट मतलब बी से बैलेंस, अचानक मरीज़ का बैलेंस बिगड़ जाना हो। ई मतलब आई, आई की मतलब विजन की प्रॉब्लम आ जाना, कि या तो आपको एक साइड पे दिखाई नहीं दे रहा है या एक आंख से देखने में दिक्कत आ रही है। एफ मतलब फेस की वीकनेस आ गई है। आर्म, ए से मतलब आर्म या लेग की वीकनेस या कमजोरी अचानक आ जाना। एस मतलब स्पीच, मतलब बोलने के अंदर दिक्कत, जीभ लड़खड़ा रही है, बोला सही से नहीं जा रहा है या बोल रहे हैं तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। और टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टाइम। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत अस्पताल पहुंचना है और 4.5 घंटे के अंदर पहुंचना है। अगर आप मरीज़ को टाइमली लेकर आ जाते हैं तो उस टाइम पे हम सीटी स्कैन करके देखना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे कि किस कारण ये स्ट्रोक हुआ है। स्ट्रोक के 2 मेजर कारण होते हैं, या तो ब्रेन की नस की ब्लॉकेज हुई है या ब्रेन की नस फट चुकी है। दोनों के अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग होते हैं, बट होते हैं। टाइम इज़ द की, टाइम इज़ ब्रेन। जितना टाइम बीतता जाएगा उतना ब्रेन के अंदर डैमेज होता जाएगा। अगर आप 4.5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं और हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि उसके अंदर जो लकवा है वो ब्रेन की नस की ब्लॉकेज के कारण है, तो उस दौरान पे हम एक स्ट्रॉन्ग खून पतला करने का इंजेक्शन दे सकते हैं और उस नस को खोल सकते हैं, जिसके अंदर 90% सेफ्टी रेट होता है। अगर कोई मेजर नस की ब्लॉकेज मिलती है तो हम उसको नसों के द्वारा निकाल भी सकते हैं। तो इसके अंदर 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिससे हम ना केवल जान बचा सकते हैं बट डिसेबिलिटी। अगर आपका मरीज उस लकवे के कारण बिस्तर पे पड़ने वाला है तो हम उसको बचा सकते हैं। तो आपको इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और लाइफ टाइम एनालिसिस के हिसाब से 6 में से 1 बंदे को लकवा होगा। ये रियल वर्ल्ड वाइड डेटा है, मतलब अगर आपके परिवार में 6 लोग हैं तो उसमें से किसी न किसी एक को लकवा होने का ज़रूर संभावना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको स्ट्रोक रिलेटेड कुछ भी डाउट्स रहते हैं और आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मेरे पास डॉक्टर वरुण रेहानी मुझे दिखाने आ सकते हैं। या तो BLK मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में डेली अवेलेबल हूँ, या फिर मेरा क्लिनिक न्यूरो केयर सॉल्यूशंस डॉक्टर्स प्लाजा में अवेलेबल हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 5 से 8 बजे। नमस्कार।